अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं लेकर आई हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त डिश, जो जिसका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है और इसको देखेंगे और इसको जब आप खाएंगे तो भी बहुत मज़ा आने वाला है। जी, नाम है इसका एलो झेलो मीठे समोसे। ये मैंने नाम वैसे इनका एलो झेलो है लेकिन मीठे समोसे मैंने खुद ऐड किया है। चलते हैं इनकी तैयारी की तरफ। जी, सबसे पहले मैंने इसको मैं ऐड किया है 2 कप मैदा। आपने अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस क्वांटिटी को आप इसी तरीके से बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, इसमें 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आप ध्यान से सुना करें कि ये टीस्पून नहीं है, ये टेबलस्पून है, ठीक है। आप इसकी जगह ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद हम इसको पहले ऑयल के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस ये मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके स्नैक्स को, आपके पकोड़ों को क्रिस्पी और अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है। आप देखें जैसे ये जैसे ब्रेड क्रम की तरह हो गया है और इसकी तैयारी का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप जब मुट्ठी में ऐसे ज़ोर से दबाएंगे तो ये लड्डू की शक्ल में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बिखरा हुआ नहीं होगा, देखें ऐसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा। इट्स मीन के रेडी टू वाटर। जी हाँ, अब इसमें हम आप ऐड करेंगे नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर आपने इस्तेमाल करना है एज रिक्वायर्ड। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते रहें और अपनी डो को गूंथते जाएं, ठीक है। आप इसको गूंथते जाएं, मैं ज़रा वीडियो को तेज़ कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। आपने अच्छी तरह इसको गूंद लेना है, इसकी अच्छी तरह पिटाई शिटाई लगा लेनी है। अच्छा है, अब इस बेचारे को आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको आपने 15 से 20 मिनट तक आपने इसको रेस्ट देना है। थोड़ा सा जो हमने इसकी पिटाई लगाई है उससे ज़रा इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, ठीक है। और ये इस तरह आपने रेस्ट ज़रूर देना है, इससे इसका रिज़ल्ट और अच्छा आता है, ठीक है। फ़ौरन से आपने अपना समोसे नहीं बनाने लग जाने, ठीक है। जब तक ये रेस्ट होती है हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं, क्योंकि हमने इसको मीठा बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप पानी और 1 कप शुगर, ठीक है। आपने शुगर से जितनी आप शुगर लेंगे उससे आपने क्वांटिटी पानी की थोड़ी रखनी है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 इलायचियाँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। अब आपने इसको कुक होने के लिए थोड़ी देर जैसे 2-3 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। ऐसे अच्छी तरह से फौरन चम्मच हिला लीजिएगा वरना चीनी नीचे लग जाएगी। जब आप 2-3 मिनट इसको पका लेंगे तो इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनीगर सिरका। अगर सिरका नहीं है तो आपने 1 टेबल स्पून आपने लेमन ऐड करना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी चाशनी तैयार होती है ये देखें ऐसी होनी चाहिए कि इतनी सी चिपके बस, ठीक है, ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, सिरका हमने इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो चाशनी है जब ये पड़ी रहती है, रखी रहती है, तो ये जमना शुरू हो जाती है, सिरका इसको जमने नहीं देगा। अच्छा जी, अब हमारे 15-20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से इस डो को थोड़ा सा गूंद लूँगी ताकि रिज़ल्ट और अच्छा आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपने बड़ी सी रोटी बना लेनी है, बड़ी शड्डी, ये रोटी नहीं बल्कि ये रोटा होगा, ठीक है। आपने इसको इतना बड़ा सा बेल लेना है, ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह से बड़ा सा बेल के और उसके बाद आपने उसका जो नेक्स्ट मेथड है वो ये करना है कि इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। जब कभी आप डिप्रेशन में जाएं, कभी आपका मूड ख़राब हो, तो आपने उठना है और बस ये समोसे बनाना शुरू कर देने हैं। एक तो ये खाने में बहुत मज़ेदार और ये बनाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको बनाने में। और बड़ा जो कुकिंग लवर होते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा ना ये कुकिंग कर कर, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा कटिंग के दौरान थोड़ी बातें हो जाएं। अच्छा जी, अब आपने इसको सेंटर से कट कर लेना है, इसका सेंटर कर लेना है,
ये देखें जी, मैंने इसका सेंटर कर लिया है। अब हमने सेंटर करने के बाद इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये एक जो हिस्सा है इसको साइड पे कर देंगे और जो दूसरा पार्ट है वो हम आगे कर देंगे इसकी तैयारी के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था, इसको और मैं पतला करूँगी क्योंकि मुझे ये डो पतली चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए वरना आपका समोसा अच्छा नहीं बनेगा, और इसके लिए आपको पतली थिन ही चाहिए होगी। ठीक है, ये देखें अभी भी मुझे ये यहाँ से थोड़ा सा मोटा मोटा सा लग रहा है। अब मैं इसको और कर दूँगी। और हाँ जी, आपने इसको पोले हाथों से करना है, यानी कि हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से आपने नहीं इसको बेलना। ठीक है, आपने बहुत सॉफ्ट हैंड से काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें अब मुझे लग रहा है कि मेरी डो रेडी हो गई है डिज़ाइनिंग के लिए, समोसा बनाने के लिए। अच्छा, अब जो ये नेक्स्ट स्टेप है इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आपने इसके भी दो पार्ट कर लेने हैं। अब आप जब इसके दो पार्ट कर लेंगे, और हाँ देखिए, जब आप इसको उठाएंगे तो आपने नाइफ़ की मदद से उठाना है। मैंने ऐसे हाथ से उठाने की कोशिश की तो वो अच्छे से नहीं उठ रहा था। ठीक है, अब हम जो इसका दो पार्ट किए थे उसके एक पार्ट को हमने साइड पे रख दिया, और अब इसमें हम समोसे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको मैं और थोड़ा सा बेल लूँगी ताकि जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है उसमें मुझे लेयर्स चाहिए, तो वो लेयर्स ज़्यादा करने के लिए मैं इसको और थोड़ा सा पतला कर लूँगी, और साथ साथ आपने मैदा लगाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, मैदा आपने इस तरह डस्ट करते रहना है। चलें जी, डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने देखें, ऊपर से मैंने जो कट लगाया है वो मैंने थोड़ा सा छोड़ कर लगाया है, और नीचे जो मैं लेकर गई हूँ वो भी मैंने नीचे से थोड़ा छोड़ा है। ठीक है, आपने पूरा पूरा कट नहीं लगाना, बस सेंटर से कट लगाना है, और बड़ा केयरफुली और बहुत सॉफ्ट हैंड से ये काम करिएगा। यहाँ मैंने वीडियो तेज़ कर दिया ताकि आप लोग बोर होकर भाग ना जाएं, तो आजकल जल्दी का दौर है तो मैंने भी जल्दी मारी है समोसा बनाने में। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, ये भी बड़ा गौर से देखिएगा। आपने इस करने के बाद मैदा ऊपर ज़रूर लगाना है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसके जो लेयर्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ठीक है, अब मैं ये साइडों पे पानी लगा रही हूँ, सिंपल पानी है, कोई डो वगैरह नहीं है, ये मैं सिंपल पानी लगा रही हूँ। आपने भी सिंपल पानी लगाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इस तरह से आपने हल्के हैंड से आपने इसको उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ये देखें, तसल्ली कर लेनी है पहले, और ऊपर से आपने इसको प्रेस नहीं करना, साइडों से आपने प्रेस करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी टिप है। ठीक है, ये आपने ये नहीं करना कि सारी तरफ से प्रेस कर दें, सिर्फ साइडों से आपने जहाँ पानी लगाया था वहीं से प्रेसिंग करनी है। फिर आपने दोबारा से आपने पानी लगाना है, और फिर आपने नाइफ़ की मदद लेनी है। अगर आप हैंड से करेंगे तो वो हेलो जेलो ही हो जाएगा, जो इसका नाम है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने फोल्ड करना है। इसका नाम भी पता नहीं मुझे, इसलिए लगता है एलो जेलो है क्योंकि ये बहुत हिलजुल वाला है, तो इस वजह से आपने बहुत केयरफुली काम करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप है जो आपके ये नीचे की एक तरफ जो है, आपने कोई भी एक तरफ से आपने इसकी नोक बना लेनी है जैसे पत्ते की बनती है। ठीक है, ऊपर से फिर आपने दूल्हे का जैसे सहरा होता है ना, इस तरह से खोलना है, और फिर आपने इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये है जी इसकी मेन ट्रिक। और इसकी दूसरी ट्रिक जो है वो भी आपने बहुत ध्यान से देखनी है, जिस तरफ आपने इसको पीछे की तरफ फोल्ड किया है उसी तरफ देखें, उसी तरफ बैक पे आपने इस तरह से इसको पानी थोड़ा सा लगा के फोल्ड करना है। अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा पीछे से वीडियो को देख लें। ठीक है, आपने पानी से अच्छी तरह प्रेस करके ऊपर इसको ऐसे ऐसे हिला लेना है ताकि इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। असल डिज़ाइन इसके बैक पे बनेगा। ठीक है, तैयारी हम फ्रंट से करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा जी वो देखें, ये पत्ते की तरह ज़बरदस्त
जो है समोसा हमारा डिज़ाइन वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह से समोसे रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। हाँ जी, फ्राई में आपकी जो मेन टिप है वो ये है कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत खोलता हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑयल है वो मीडियम होना चाहिए, हल्का होला सा होना चाहिए। ठीक है, आपने इस तरह से इनको फ्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप इसको तेज़ ऑयल में डाल देंगे तो इसकी जो मैदा है इसके ऊपर फौरन बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे खूबसूरती को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसको लो फ्लेम में ही, लो भी नहीं, आपने मीडियम लो फ्लेम में पकाना है और ज़रा वेट करना है इसको ब्राउन होने में। ब्राउन होने में इसको 7-8 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सुकून से इनको इंजॉय कराते हुए और ख़ुद भी इंजॉय करते हुए आपने इसको पकाना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत औसम आने वाला है और सब जो घर वाले हैं इसको खाएंगे और कहेंगे वाह क्या जायका है और क्या डिज़ाइन है, और आपको ज़रूर दाद देंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको उठाकर दिखा रही हूँ आपको, और ये ओहो एक सेकेंड, अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा से उठाकर आपको दिखा रही हूँ और इसका ज़बरदस्त सा बस यही कलर हमें चाहिए और यह है डन। अब जो हमने शीरा रेडी किया था उसको, उसमें हम ये गरम गरम ही डालेंगे। ठीक है, ये देखें थोड़ी सी बबलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मैं आए गरम गरम ही डाल रही हूँ। और शीरा भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। अगर बनाते बनाते शीरा आपका ठंडा हो गया है तो माइक्रोवेव ओवन में आप इसको 30 सेकेंड गर्म कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी टिप और थी। ठीक है, अब एक मिनट में इसको एक साइड पर इन चारों को रहने दूँगी, फिर एक मिनट बाद मैं इसकी साइड को बदल दूंगी। आप चाहें तो एक साइड पे ही शीरा लगा रहने दें, और जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो दोनों तरफ से ही इसको टर्न करके इसमें शीरा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे ही आपका लुक बहुत अच्छा आता है। मैंने कोशिश की है ऐसी करने की, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इंग्लिश ज़रा मेरी ऐसी सी है, ज़रा काम चला लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है अपने YouTube फैमिली के सामने, जो जो है ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, हाँ जी वो है जी आपको जो हमने दिखाना है कि जी कभी ऐसे देखें तो कभी ऐसे देखें, इसको घुमा घुमा कर देखें, इसका लुक हर तरफ से बहुत अच्छा आएगा। आप जैसे भी इसको रख लें, मेहमानों के सामने, अपने गेस्ट के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, इसका लुक हर तरफ से बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा जी, अब मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है, इतना मज़े का है। और अभी ये यहाँ गरम है, गरम गरम ही मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, और देखें जी कैसा ये अलग अलग हो गया, ज़बरदस्त सा। और मैंने थोड़ा सा चखा और मुझे बहुत मज़ा आया। और यार मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, शेयर लाइक अल्लाह।